रिलायंस बिग टीवी डीटीएच सर्विस बंद हो रही है 18 नवंबर 2017 इसकी लास्ट डेट है। लेकिन फ्रेंड्स आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपको मिलेगा फ्री में टाटा स्काई। मैं बताऊंगा आपको कैसे टाटा स्काई फ्री में मिलेगा और साथ में ये कंपनी बंद क्यों हो रही है और आपके बचे हुए बैलेंस का क्या होगा, जो बिग टीवी के सेटअप बॉक्स में आपका बैलेंस बचा हुआ है वो कैसे टाटा स्काई में शिफ्ट होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कतई नहीं घबराएं, देखते रहिए टेकनसी यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अदरवाइज आप डिसलाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था रिलायंस की बिग टीवी डीटीएस सर्विस जो बंद हो रही है। फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह के रिलायंस के सार्वजनिक न्यूज़पेपर वगैरह में नोटिस देखने को मिल रहा होगा जिसके अंदर उन्होंने कहा गया है कि इनका लाइसेंस खत्म होने जा रहा है जिस कारण से वो डीटीएस सर्विस बंद कर रही है। ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको ऐसा मैसेज भी देखने को मिल रहा होगा जिसके अंदर कहा गया है कि रिलायंस डिजिटल टीवी अपने सब्सक्राइबर को टाटा स्काई नेटवर्क पर शिफ्ट होने जा रहा है, ऑफर दे रहा है इस प्रकार का। फ्रेंड्स मैं आपको बात बता दूं कि एक्चुअली है क्या कि रिलायंस ने 2007 में स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस लिया था जो 10 साल के लिए था, वो लगभग खत्म हो चुका है और उन्होंने 2008 से सर्विस स्टार्ट की थी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि स्पेक्ट्रम का खर्चा और स्पेक्ट्रम इतना महंगा होता है कि रिलायंस नहीं चाहता कि वो अब इसको लेना, क्योंकि वो अपना पैसा और दिमाग कहीं और बिजनेस में लगाना चाहता है, इसलिए वो बिग टीवी नाम की सर्विस अब बंद करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी अब टाटा स्काई लेने वाला है, उन्होंने उसके साथ में टाई अप कर लिया है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। पास में अगर आप टीवी के रिमोट का ब्लू बटन दबाएंगे तो आपके पास में ये देखने को मिल रहा होगा कि आवर डीटीएच लाइसेंस एक्सपायरी नवंबर 2017 और इन्होंने टाइप कर लिया टाटा स्काई के साथ में। तो फ्रेंड्स ये सारी जिम्मेदारी टाटा स्काई लेगा अब आपकी। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि रिलायंस डिजिटल टीवी सर्विस जो है एक्सपायर होने के साथ में ये आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो टाटा स्काई के साथ में 7 दिन के अंदर आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो भी बैलेंस होगा। तो आपको टाटा स्काई लेने के लिए आपको जो है न्यू कनेक्शन नहीं लेना, आपको क्या करना है आपको 18 नवंबर 2017 से पहले इस नंबर पे मिस कॉल देना होगा। जैसे ही आप मिस कॉल देंगे 72 आवर्स में आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ जो भी आपका नया कनेक्शन होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। आपको यहाँ देखिए ये देखने को मिल रहा है, साथ में लिखा हुआ है आपका जो बैलेंस है वो टाटा स्काई में ऐड कर दिया जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर, वो भी नए टाटा स्काई अकाउंट के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वो बंदे आएंगे आपके पास में और आपका जो पुराना छतरी सेटअप बॉक्स जो भी है उसको ले जाएंगे और अपना नया टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स और कार्ड जो भी है वो दे के जाएंगे आपको और एक पैसा नहीं लेना उनको। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं टाटा स्काई का मिनिमम जो पैकेज है वो 199 से स्टार्ट होता है, तो आपको मिनिमम पैकेज तो लेना ही होगा, कोई ना कोई पैकेज लेना होगा तभी आपकी सर्विस चालू रहेगी। चाहे आपकी डीटीएच सर्विस जो बिग टीवी की थी उसके अंदर कोई सा भी प्लान चल रहा हो, कितना भी टाइम बच रहा हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाटा स्काई में जाने पर आपको नया कनेक्शन लेना होगा और उसके नए पैकेज के हिसाब से पैसे देने होंगे। इस चीज का ध्यान रखें, चाहे आपके अकाउंट में कितने ही पैसे पड़े हो, कोई सा भी पैक लगा हुआ हो। उसके बाद में आपके पास में ऐसा कुछ आएगा, जैसे ही वो ले जाएंगे आपको रिचार्ज करने के लिए बोला जाएगा और फिर रिचार्ज करवाए टाटा स्काई अकाउंट को एक्टिवेट करवाए तो आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ये सब मैसेज आपके मोबाइल पे आने वाले हैं। और साथ में मैं बता दूं कि वीडियोकॉन भी ऐसी सर्विस दे रहा है, उसके भी कुछ ऑफर्स ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि वो आपको अगर आप 1 साल का सब्सक्राइबर पैक लेते हैं, मतलब 1 साल का 1 साल पेमेंट कर देते हैं आप चैनल का, तो आपको सेटअप बॉक्स के कोई पैसे नहीं लेगा। उसके साथ में थोड़ा ऐसा है क्योंकि उसके साथ टाई अप नहीं है, अगर आप वीडियोकॉन लेना चाहते हैं तो उसने ऑफर निकाला स्पेशली बिग टीवी रिलायंस वाले कस्टमर्स के लिए। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसी थी ये न्यूज, और फ्रेंड्स लाइक करें, अदरवाइज आप इसको शेयर करें सभी में ताकि सभी को पता चल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, अभी इतना ही।